जी के साथ श्री राम, लखन और माँ सीता वनों की ओर प्रस्थान कर गए। मनोहारी गंगा का तट और वनों से घिरा वन प्रदेश उन्हें नए कार्य के लिए अपनी तरफ खींच रहा था। लक्ष्मण, ये राज्य तो हमारे मित्र निषाद का है। हम अयोध्या से बहुत दूर आ गए हैं। इस राज्य की कुटिया कितनी सुंदर बनी हुई है। सूखी घास, लकड़ी और गोबर को मिलाकर। हाँ भाभी माँ, और इस कुटिया पर लगे ये रंगीन ध्वज इसकी सुंदरता को कितना बढ़ा रहे हैं। आर्यपुत्र, आज हम यही विश्राम कर लेते हैं। देखिए, अब सूर्य अस्त भी होने वाला है। कदाचित तुम थक चुकी हो सीते। भैया, बुआ भैया से मिलकर आपके आने की सूचना दे दूं? नहीं लक्ष्मण, मैं मित्र निषाद को कोई कष्ट नहीं दे सकता। उन्हें अपना कार्यभार देखने दो। हमें प्रातः यहां से प्रस्थान करना है। बस तुम गंगा से जल ले आओ। अवश्य। भाई की आज्ञा के अनुरूप लखन माँ गंगा से जल लेने पहुंचे तट पर, और ये बहाव मित्रों को देख कितनी प्रसन्नता का अनुभव होता है, और वह मित्र जो गुरुकुल में साथ रहे हैं। प्राचीन समय से ही ये परंपरा रही कि वह चाहे राजा का पुत्र हो या किसी भी परिवार का सदस्य, शिक्षा ग्रहण के लिए सभी को गुरुकुल जाना पड़ता था। आज शायद यही परंपरा हम अपने वेशभूषा में निर्वहित कर रहे हैं, जिससे विद्यालय का वातावरण एक रूपता और समरूपता बनाए रखे। इसलिए हम सभी को समवस्त्र बनाते हैं। पर जब राम, लक्ष्मण और निषादराज एक साथ उस मुनि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उनका प्रेम आज वही दिखाई दे रहा है। और तुम भी नहीं बदले लक्ष्मण, गुरुकुल की तरह शरारती के शरारते ही हो। भैया, कितना आनंद आता था ना, एक साथ लकड़ियां इकट्ठा करके लाना और आश्रम में शस्त्रों के साथ अभ्यास। तो हो जाए भैया, हो जाए। आइए। Ha 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 ha!
कोई साधु वाधु नहीं है शांतु, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के प्रतापी सुपुत्र कुमार लक्ष्मण है, हमारे विशेष सखा। मित्र, तुम्हारे साथ कोई और भी आया है क्या? मैं तुम्हें इस साधु वेश में देखकर बिल्कुल भी पहचान नहीं सका। भैया लक्ष्मण, ऐसा क्या हुआ कि जो हमेशा गरजने वाले लक्ष्मण को इतना शांत कर दिया? गुहा भैया, माता कैकेयी ने पिताजी से दो वचन मांगे थे। पहले वचन में उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए राज मांगा और दूसरे वचन में भैया राम के लिए वनवास। ये अयोध्या के महलों में ठीक नहीं हुआ। राम भैया कहाँ है? ये बात सुनकर मुझे उनसे मिलने की बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे उनके पास ले चलो, मुझे मिलना है उनसे। चलिए भैया आइए। भैया राम, मित्र निषाद। कहो मित्र निषाद, कुशल से तो हो? मैं कुशल से हूं भैया, लेकिन आपका ये वेश देखकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। लक्ष्मण ने मुझे सब कुछ बता दिया है। विधि का विधान बहुत बलवान होता है भैया, कि अयोध्या के युवराजों को ये साधु वेश पहनना पड़ा। मित्र निषाद, वनवास की अवधि में संत मुनि जनों और आप जैसे मित्रों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यही मेरे लिए सुखद पल है। भैया, ये आपके पीछे जो है, क्या ये भाभी है? हाँ निषाद, ये तुम्हारी भाभी सीता है। भाभी माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और हमारे नगर में आकर हमें सेवा का अवसर दे। निषाद, हमें किसी नगर में जाने की अनुमति नहीं है। तो ठीक है भैया, हम नगर आपके पास ले आते हैं। ए शांतु, राम भैया के लिए और भाभी सीता के लिए रात्रि तक कुटिया तैयार हो जानी चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मित्र, हम प्रातः यहां से प्रस्थान करेंगे। भैया राम, ऐसा कहकर आप हमारी अवहेलना कर रहे हैं। आप कहां जाएंगे? ये वन भी तो आप ही के राज के हैं, आराम से यहां रह सकते। आपके अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं आएगी और हम हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। मित्र निषाद, आपका ये राज्य अयोध्या के बहुत निकट है, यहां सभी अयोध्या वासियों का आना जाना रहेगा। भैया राम, आज रात्रि भर का विश्राम करना है। भैया राम, भोजन? बस कंद मूल और दो सेवकों का भोजन और रात्रि भर का आराम। आइए विश्राम के लिए आइए। आर्य पुत्र, किंतु ये राज्य इतना सुंदर है, इसे छोड़ते हुए क्या दुख नहीं होगा? आओ सीते। किस व्रत में है व्रती वीर, निद्रा कायु त्याग किए
राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज चिराग लिए बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है जिसकी रक्षा मेरत इसका तन है मन है जीवन है। भैया लक्ष्मण अभी तक आप सोए नहीं। गुहा भैया मैं यहां भैया और भाभी की सुरक्षा के लिए ही पहरा दे रहा हूं। आप निषाद वन में हैं और आपके राम भैया और आप दोनों लोग सुरक्षित हैं। अरे फिर भी गुहा भैया ना जाने कौन सा दुश्मन कब आक्रमण कर दे। उसे सबसे पहले मुझसे निपटना होगा। गुहा भैया मैं यहां निद्रा का त्याग करके ही आया। आप चिंतित ना हो आराम करें। कहत राम गुण भाभिन सारा जागे जग मंगल सुखदारा। श्रृंगवीरपुर में आज रात्रि का विश्राम और उस विश्राम के पश्चात अयोध्या की सीमा के पार मित्र निषाद राज से विदा लेने का भी प्रातःकाल समय आ गया। श्री राम जी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ सुमंत के साथ आगे बढ़े। सूर्योदय और वट वृक्ष के सामने हाथ जोड़े सूर्य को नमन कर श्री राम आगे बढ़ चले। अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत नयन जल जाए। मित्र निषाद हमारे लिए बड़ का दूध मंगा दो। जो आज्ञा भैया। बड़ का दूध क्या कहा आपने महाराज? बड़ का दूध क्या जटाएं बढ़ाई जाएंगी? मुकुट पहनने वाले शीश पर जटाएं उगाई जाएंगी? नहीं 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 राम नहीं, ऐसा ना करे राम, ऐसा ना करे। अरे बहुत हो चुकी केकई की आज्ञा, बहुत हो चुकी केकई की आज्ञा। राम रथ भार खड़ा हुआ है, मेरे साथ अयोध्या वापस चले आप। आर्य सुमन हमें माता केकई के वचनों के अनुसार एक तपस्वी की भांति अपना जीवन यापन करना है, उसके लिए जटाएं बढ़ानी होगी। अब आप अयोध्या लौट जाए। कहां पृथ्वी पर सोना, कहां वो ऊंचा सिंहासन, कहां मखमल के वो गद्दे, कहां ये धूल पर आसन। कभी जिस शीश पर मैंने मुकुट की एक जटा देखी, उसी शीश पर विराजेगी मुनियों की छटा देखी। नहीं राम ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे। महाराज की शांति का कुछ तो उपाय करे आप, कुछ तो उपाय करे। आर्य सुमन हमारे पूर्वजों ने तो बड़े बड़े कष्टों को सहन किया, धर्म का कभी परित्याग नहीं होने दिया,
मैं पिता के वचनों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब आप अयोध्या लौट जाए और पिताश्री को सांत्वना दे। जाइए सुमन जी, जाइए। जब गमन किया तुमने वन को, महाराज के आंसू बहने लगे, रो रो के सर पीट लिया। व्याकुल होकर वो कहने लगे, तुम जाकर उनके साथ सुमन, वन उनको खूब गुवा लाना, गंगा स्नान करा करके अयोध्या वापस लौटा लाना। ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा राम। महाराज की शांति का कुछ तो उपाय करे आप, कुछ तो उपाय करे। आर्य सुमन जी, मैं वनवास की अवधि तक विवश हूं, मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कीजिए। आप अयोध्या लौट जाइए, लौट जाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपने प्रतिज्ञा ली है तो ठीक, किंतु जानकी ने तो प्रतिज्ञा नहीं ली ना, इन्हें तो वापस भेज दीजिए। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा नहीं ली है ना, इन्हें ही मेरे साथ वापस भेज दीजिए। कुछ तो करिए ना। आर्य सुमंत, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, परंतु आप स्वयं ही बताएं, क्या कभी आपने चांद को चांदनी से अलग होते देखा है? यदि सूर्य से उसकी रोशनी छिन जाए तो फिर सूर्य का क्या? मैंने तो सुख में दुख में सदा साथ रहने का वचन दिया है, तो फिर मेरे वचनों का क्या होगा? प्रिय लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम साथ चलो, चलो ना लक्ष्मण ने देखा। नहीं सुमन जी, जहां पिता अपने पुत्र को ऐसा कठोर वनवास दे, ऐसे राज्य में मेरी कोई आस्था नहीं है। अब उनके तो वो प्रिय पुत्र भरत लाल ही हो, आप बस मेरा एक कहा मानिए, जाकर कहना रानी कैकेयी से कि अब अक्षय के दिए चलाएं, प्रसन्नता पूर्वक उत्सव मनाएं, क्योंकि उनकी आंखों में चुभने वाले कंकर अब उनसे दूर जो होने जा रहे हैं। लक्ष्मण, सुमन जी, आप तो मेरी सौगंध है, लक्ष्मण के संदेशों को माता कैकेयी तक ना पहुंचाए। धिक्कार है, धिक्कार है, अब आगे सुमन तुझ पर लाख बार धिक्कार है। आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, हृदय मनन कर रहा है, किंतु कोई उपाय नहीं सूझ रहा, कोई उपाय नहीं सूझ। मैं महाराज से जाकर क्या कहूंगा, मैं महाराज से जाकर क्या?
बीते। आओ